आज पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए हिमायत बेग की सजा का ऐलान होगा। पुणे की सेशंस कोर्ट ने हिमायत बेग को हत्या और आपराधिक साजिश रचने समेत कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। साल 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में हुए बम ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 64 लोग जख्मी हो गए थे। बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान बेग के पास से करीब 1200 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। इस मामले में 5 और आरोपी मोहसिन चौधरी, यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल और फैयाज कागजी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन ये 5 फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।